गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉरियर एकेडमी। आज हम PYQ 2018 फर्स्ट करेंगे, यानी कि 2018 से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हुए हैं वो आज हम इस PYQ में करेंगे। और बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको क्या करना है, रेगुलर सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर को नहीं देखना, राइट आंसर के साथ साथ जो रॉन्ग आंसर है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाए, इसलिए बच्चों हो सकता है कि जो इस बार सही है पूछा जा रहा है, यानी कि आर करेक्ट पूछा जा रहा है, हो सकता है वो अगली बार नॉट करेक्ट पूछा जाए कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं PYQ का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके 2018 फर्स्ट से रिलेटेड रहेंगे, यानी कि अप्रैल से रिलेटेड रहेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, Which of the following is are not historical biography and biographies? भाई इन्होंने क्या पूछा कि भाई कौन सी स्टेटमेंट हिस्टोरिकल बायोग्राफी से रिलेटेड है या नहीं है, इसको हमें करना है। तो ये बच्चों क्वेश्चन जो है एनडीए 2018 के फास्ट से रिलेटेड है, यानी कि 2018 का ये क्वेश्चन है। और 2018 के क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो इन्होंने पहला दिया दीप वंश, हर्षचरित, विक्रमा देवचरित, पृथ्वीराज विजय। अब देखो बच्चों इनमें क्या करना है आपको, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन कोड बिलो। बच्चों पहला तो ये समझो कि ये जो हिस्टोरिकल बायोग्राफी है, ये हिस्टोरिकल बायोग्राफी है किससे रिलेटेड। हर्षचरित जो रिलेटेड है वो राजा हर्षवर्धन से रिलेटेड है, हर्षवर्धन। इसी प्रकार दीपवंश, इसी प्रकार विक्रमो वर्षियम, ये किससे रिलेटेड है, राजा विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड। पृथ्वीराज विजय, ये बच्चों चंद्रबरदाई ने लिखी थी और किससे रिलेटेड है, पृथ्वीराज से रिलेटेड है। तो बच्चों अब इन्होंने क्या पूछा, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द कोड गिवन बिलो, कि भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ये बच्चों क्या रहेगा, 2018 जो सिलेक्ट इसका रहेगा वो आंसर, इसका कुल मिला के हम जब देखते हैं तो हमें ए आंसर मिलता है कि ये तो सारी की सारी बायोग्राफी है, यानी कि हर्षचरित बायोग्राफी है, किसके बारे में, हर्ष के बारे में। विक्रमादेव चरित्र ये किसके बारे में है, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, मैंने बताया था राजा विक्रमादित्य होता है उसका नेम, दूसरा उसका टाइटल विक्रमादित्य का होता है। पृथ्वीराज रासो, सम्राट पृथ्वीराज के बारे में थी। लेकिन दीप वंश ये किससे रिलेटेड है, तो बच्चों दीप वंश बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है। तो ये तीन आपकी क्या रहेगी, ऑटोबायोग्राफी रहेगी और एक आपकी ऑटोबायोग्राफी नहीं रहेगी। अब इसमें देखना है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द कोड गिवन बिलो। अब देखो फ्रॉम द कोड गिवन बिलो तो आंसर रहेगा ए, यानी कि आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। बाकी तीनों बायोग्राफी रहेगी, ऑटोबायोग्राफी किसी राजाओं की और एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन है कहां से। तो बच्चों बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ने की क्या जरूरत है, एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन आता ही नहीं, ना मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड आता। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, हर्षचरित राजा हर्षवर्धन किस टाइम थे, 606 AD, 606 AD टू 647 AD में थे हर्षवर्धन। तो उससे रिलेटेड क्या लिखा गया, हर्षचरित किसने लिखी, वाणभट्ट ने। हो सकता है अगली बार हर्षचरित के राइटर का नेम पूछ लिया जाए, तो हर्षचरित्र का राइटर का नेम वाणभट्ट। इसी प्रकार पृथ्वीराज विजय ये किससे रिलेटेड है भाई, पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड। मिडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन देखो, पहला एंशियंट हिस्ट्री, सेकंड मिडाइवल हिस्ट्री, और जो थर्ड का ऑप्शन
ये विक्रमादित्य वाला, ये भी एंशिएंट हिस्ट्री। यानी कि पूरी तरह हमें क्या दिखाई देता है, दो स्टेटमेंट किससे रिलेटेड ली गई, एंशिएंट हिस्ट्री से, एक किससे रिलेटेड, मिडाइवल हिस्ट्री से, और ये दीपवंशम, ये भी बच्चों एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो पूरी तरह हमें क्या दिखाई देता है कि भाई एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है जितना आपका मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंस रखता है। तो क्वेश्चन का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो यहां से आएगा, प्रॉपर मॉडर्न हिस्ट्री से ही आएगा, वो एंशिएंट हिस्ट्री से भी पूछा जा सकता है। तो इसका राइट स्टेटमेंट क्या रहेगा बच्चों, आंसर ए रहेगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन भी बच्चों एनडीए 2018 का क्वेश्चन है, 2018 फर्स्ट का क्वेश्चन है हमारे यहां पे। इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैन आर इंक्लूडिंग इन द अग्निकुला राजपूत। भाई अग्निकुला राजपूत में निम्नलिखित में से कौन से गोत्र शामिल है। अब देखो बच्चों, अग्निकुला राजपूत में कौन से गोत्र शामिल है या कौन से गोत्र शामिल नहीं है उसकी हम बात करते हैं, और ये किससे रिलेटेड है, राजपूतों से रिलेटेड है। तो बच्चों पृथ्वीराज, चालुक्यास, परमास, परमास यानी कि परमार, इसको परमार भी बोलते हैं, परमार, चाहमान, चाहमान। अब बच्चों इसकी स्टेटमेंट देखें हम, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। पहले तो बच्चों ये समझो कि इसमें जो स्टेटमेंट है किससे रिलेटेड है, ये स्टेटमेंट बच्चों मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड पूछी गई है। यानी कि ये क्वेश्चन कहां से आया, मिडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जब राजपूतों का उदय हुआ, गुजरों का उदय हुआ, गुजर प्रतिहारों का उदय हुआ, पाल डायनेस्टी का उदय हुआ। अब देखो इनमें भाई पूछा गया कि करेक्ट आंसर कौन सा है, तो करेक्ट बच्चों चारों के चारों ही है। प्रतिहार भी किससे रिलेटेड थे, गुजरों से रिलेटेड थे, राजपूतों से रिलेटेड थे, चालुक्य भी राजपूतों से रिलेटेड है, परमार भी राजपूतों से रिलेटेड है, चाहमान भी राजपूतों से रिलेटेड है। तो पूरी तरह आपका राइट स्टेटमेंट क्या रह जाएगी बच्चों, राइट स्टेटमेंट रहेगी सी, यानी कि यहां पे हमारा आंसर रहेगा सी। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बच्चों एनडीए 2018 फर्स्ट का क्वेश्चन है, और ये बच्चों मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। हु गिल्ड द बादशाह नामा टू किंग जॉर्ज इन 1799। सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों, 1799 में किंग जॉर्ज को बादशाह नामा किसने दिया था। अब भाई हम देखते हैं, अबुल फजल, नहीं भाई ये तो अकबर के टाइम थे, अकबर के हिस्टोरियन थे, तो गलत। अब्दुल हमीद लाहौरी, ये भी नहीं बच्चों, गलत स्टेटमेंट। इसके बाद तीसरा नवाब ऑफ अवध, तो बच्चों ये आपका पूरी तरह क्या रहेगा, राइट स्टेटमेंट रहेगा, नवाब ऑफ अवध, अवध के नवाब ने क्या दिया था, किंग जॉर्ज को बादशाह नामा दिया था। तो बच्चों फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी गलत ही रहेगी, विलियम जोन्स। ये बच्चों किससे रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन अवध की डायनेस्टी चल रही थी उससे रिलेटेड है, यानी कि अवध के राजा ने, अवध के राजा ने बादशाह नामा दिया था किसको, तो किंग जॉर्ज को दिया था 1799 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द नेम ऑफ द अवार्ड गिवन टू मेरिटोरियस मैन इन द मुगल कोर्ट इन द फॉर्म ऑफ ए रोब ऑफ ऑनर दैट वंस वोर्न बाय द एम्परर। भाई इन्होंने पूछा मुगल दरबार में मेधावी पुरुषों को सम्मान की पोशाक के रूप में दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या है जिसे वे कभी सम्राट द्वारा पहना जाता था, और ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है बच्चों, मुगल अंपायर से रिलेटेड, एनडीए 2018 फर्स्ट यानी कि अप्रैल का क्वेश्चन है। अब देखो सराफा, बच्चों सराफा किस में भेंट किया जाता है, सराफा एक्चुअल में सिखों में भेंट किया जाता है, तो ये सराफा मतलब साफा जो गले में परना डालते हैं उसको हम बोलते हैं सराफा, तो ये सराफा नहीं रहेगा। पटका, भाई पटका क्या होता है, वही साफे की तरह जो कंधे पे रख के चलते हैं पटका, ये भी गलत। पद्मा मुरासा,
ये भी बच्चों पूरी तरह गलत, खिल्लत पूरी तरह सही, यानी कि राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा डी। तो आपको ध्यान रखना है, जब आपको गलत स्टेटमेंट पता है कि ये स्टेटमेंट गलत रहेगी तो राइट स्टेटमेंट आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो बच्चों ये भी ध्यान रखना है कि मुगल अंपायर से रिलेटेड भी क्वेश्चन एनडीए में पूछा जाता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, मैंने बताया था कि स्टेटमेंट का मिलान कई बार करवा लिया जाता है कि स्टेटमेंट को मिलाइए, आप स्टेटमेंट किस प्रकार मिलाओगे। तो जब स्टेटमेंट का मिलान करवाया जाता है बच्चों, तो हमें देखना होता है कि स्टेटमेंट को वो लोग किस प्रकार पूछ रहे हैं। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैचिंग, इन्होंने बोला कि इन पेयर्स को करेक्ट मैच करो। और अब इन्होंने ये क्वेश्चन कब पूछा, एनडीए 2018 फास्ट का ये क्वेश्चन है बच्चों, और एनडीए 2018 फास्ट का क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं, करेक्ट मैच करते हैं। इन्होंने बोला मार्को पोलो, भाई मार्को पोलो इटली का था, राइट, यानी कि हमारा पहला पेयर क्या है, राइट है, बिल्कुल राइट पेयर। इबन बतूता मोरक्को, राइट पेयर बच्चों, बिल्कुल राइट पेयर। तीसरा निकिदिन, मैंने बताया था रशिया से आया था, बिल्कुल, ये जब हमने पढ़ा तो मैंने बताया इबन बतूता को एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने, जब ये 1336 में आया तो इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। तो पूरी तरह निकिदिन की स्टेटमेंट क्या रहेगी, रशिया की रहेगी। अब देखो बच्चों, सैदी अली रेस टर्की का था, स्टेटमेंट बिल्कुल राइट। अब हमें इसका कोड देखना है कि 1 2 3 4 कोड कहां पे सेट होता है, तो 1 2 3 4 कोड बच्चों सी में सेट होता है। तो पूरी तरह हमारा आंसर क्या रहेगा, 5 का सी आंसर हमें मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये भी बच्चों क्वेश्चन हमारा एनडीए 2018 फास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, यानी कि 2018 के अप्रैल से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इन्होंने बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ हुमायूं नामा, कि भाई हुमायूं नामा के लेखक कौन थे। बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, हुमायूं नामा के लेखक कौन थे, जब हम बात करें इसकी तो रोशन आरा बेगम, बिल्कुल गलत। रुकिया सुल्ताना बेगम, बिल्कुल गलत। गुलबदन बेगम, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट बच्चों। और मैंने ये बताया भी था आपको कि गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था, हुमायूं नामा लिखा था। गोहर बेगम, ये भी आपका पूरी तरह क्या रहेगा, गलत स्टेटमेंट रहेगा, यानी कि राइट स्टेटमेंट क्या है, सी। तो आपको क्या करना है, सी पे टिक करना है। अब बच्चों हम चलते हैं 2000 नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। ये क्वेश्चन भी आपका पूरी तरह किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी अगर हम देखें तो पूरी तरह एनडीए 2018 के अप्रैल से रिलेटेड क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर स्टार्टेड ए सोसाइटी फॉर द एनकरेजमेंट ऑफ विडो रीमैरिज इन 1866 इन महाराष्ट्र, भाई निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने महाराष्ट्र में 1866 में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए एक सोसाइटी की शुरुआत की। भाई देखो, विधवा विवाह, मैंने बताया था हमारे समाज में कितनी बुराइयां थी जब हम सोशल रिफॉर्म को पढ़ रहे थे। तो एक्चुअल में जब सोशल रिफॉर्म की बच्चों बात कर रहे थे तो हमने बताया था सती प्रथा होती थी, विडो रीमैरिज नहीं होता था, इन्फेंटिसाइड होता था, छोटी छोटी बच्चियों को मार दिया जाता था या गर्भ में पल रही बच्चियों को मार दिया जाता था, या छोटी छोटी बच्चियों को, जिस प्रकार महाराजा दलीप सिंह ने खुद बताया कि मेरी बहन को यमुना रिवर में डाल दिया गया था, यानी कि जो उनकी छोटी बहन थी, कन्या पैदा होने की वजह से उन्हें यमुना में डाल दिया गया था। तो हम देखते हैं कि इस समय समाज में बहुत सी करूतियां, बहुत सी बीमारियां चल रही थी, और बीमारियां चल रही थी तो बच्चों उनको दूर करने के लिए नई नई सोसाइटियां आई, अलग अलग सोसाइटियां, अलग अलग सोशल रिफॉर्मर आए। तो पहला ऑप्शन इसमें कौन मिलता है, बाल गंगाधर तिलक, बच्चों गलत। ज्योतिराव फूले, गलत। किया था ज्योतिराव फूले ने, विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयत्न किया था, लेकिन ये सोसाइटी के फाउंडर नहीं थे 1866 में। अब देखो, वेरी सलिंगम, वेरी विष्णु शास्त्री पंडित,
बच्चों विष्णु शास्त्री पंडित वेरी सलिंगम पंतलू। एक्चुअल में ये जो विष्णु शास्त्री पंडित है बच्चों, इन्होंने 1866 तक 56 विधवाओं की दोबारा से शादी करवा दी थी, 56 विधवा औरतों की। और विष्णु शास्त्री पंडित ऐसे थे जिन्होंने खुद एक विधवा से शादी की थी। तो बच्चों हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, विष्णु शास्त्री पंडित रहेगा, पंडिता रमाबाई। ये बच्चों सोशल रिफॉर्मर तो है और इन्होंने बहुत से स्कूल भी बच्चियों के लिए बनाए, जिस प्रकार आइस हाउस बनाए, आइस हाउस जो भाई कम उम्र में विधवा हो गई थी लड़की, 10-11-12 साल में विधवा हो गई थी, उनके लिए आइस हाउस का निर्माण करवाया। इसी टाइप से इन्होंने बड़ी महिलाओं के लिए स्कूल कॉलेज ये सब बनवाए। लेकिन विष्णु शास्त्री पंडित ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने खुद भी एक विधवा से शादी की और इन्होंने एक सोसाइटी बनाई जिसमें विधवा पुनर्विवाह सोसाइटी भी बोला गया। और इसी के बाद बच्चों एक एक्ट आया, हिंदू रीमेरिज एक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग विधवाओं को दोबारा से शादी करने की अनुमति मिल गई, यानी कि वो दोबारा से क्या कर सकती थी, पूरी तरह शादी कर सकती थी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम, यानी कि इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेम द फास्ट मेजर वॉलेंट्री एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग प्राइमरली इंडियन लैंडलॉर्ड इंटरेस्ट दैट वाज सेट अप इन कलकत्ता इन 1851। या सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन, 1851 में कलकत्ता में स्थापित मुख्य रूप से भारतीय जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले प्रमुख स्वैच्छिक संघ का नाम बताएं। और ये क्वेश्चन कब का बच्चों, एनडीए 2018 का। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन। तो बच्चों इसकी हम बात करते हैं कि पहली बार कलकत्ता में कौन सी पार्टी स्थापित हुई थी, किसके हितों के, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए। बट बच्चों अगर आप दूसरी पार्टी के बारे में जाओगे तो लैंड होल्डर सोसाइटी बनी, लेकिन पहली कौन सी थी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। यानी कि पहले कलकत्ता में कौन बन रही है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद पंजाब की साइड लैंड होल्ड सोसाइटी भी बनेगी, बंगाल में भी लैंड होल्ड सोसाइटी बनेगी। तो राइट आंसर हमारा इसमें भी क्या रहेगा, ए रहेगा बच्चों। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बच्चों एनडीए 2018 फास्ट से रिलेटेड है, यानी कि 2018 फास्ट का क्वेश्चन है ये हमारे पास, यानी कि अप्रैल का। Who among the following introduced the permanent settlement of Bengal in 1793? भाई मैंने आपको बताया था भारत में तीन टाइप के रेवेन्यू सिस्टम आए, परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम जिसको जमींदारी व्यवस्था भी बोलते थे, दूसरा रेयतवाड़ी रेवेन्यू सिस्टम और तीसरा महालवाड़ी रेवेन्यू सिस्टम। कितने कितने लैंड पे लागू था, तो बच्चों परमानेंट सेटलमेंट जो था वो भारत के करीब करीब 19% लैंड पे लागू था, 19%। इसी टाइप से जो रेयतवाड़ी सिस्टम था बच्चों वो भारत के कितने परसेंट लैंड पे लागू था, तो 51% पे। यानी कि 51% पे। और इसी टाइप से महालवाड़ी सिस्टम 30% पे, यानी कि टोटल लैंड कितना हो गया, 100%। तो बच्चों स्थाई बंदोबस्त को शुरू किसने किया, स्टार्ट किसने किया, इसकी बात करेंगे। तो स्थाई बंदोबस्त को स्टार्ट करने वाले क्या लॉर्ड रिपन थे, बच्चों गलत। रॉबर्ट क्लाइव गलत, जॉन एडम गलत। राइट आंसर लॉर्ड करने वालिस, यानी कि आपका सिंपल सा आंसर इसमें क्या रहेगा, लॉर्ड करने वालिस रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या रहेगा, ए रहेगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि एनडीए 2018 फास्ट से रिलेटेड है, यानी कि अप्रैल से रिलेटेड है। नेम द रिवेल हु फोट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ चिनहत इन द कोर्स ऑफ द 1857 रिवोल्ट, यानी कि 1857 के विद्रोह के दौरान चिनहट की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले विद्रोही का नाम बताए। तो बच्चों इसमें देखते हैं हम, मंगल पांडे पहला ऑप्शन ले लो, यानी कि जो गलत रहेगा वो क्या रहेगा, मंगल पांडे रहेगा। मंगल पांडे कहाँ पे थे, बेरकपुर में थे, तो पूरी तरह नहीं रहेगा। कुंवर सिंह ये भी बच्चों नहीं है, मैंने बताया था कुंवर सिंह बिहार के आरा से लड़ेंगे, ये भी नहीं है। अब आपके पास बच गए दो ऑप्शन, शाहमल
तो शाहमल भी बच्चों यहाँ पे गलत आंसर रहेगा। तो इसके बाद हमारे पास राइट आंसर क्या रहता है, अहमदुल्ला शाह रहता है। सिनहत की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोही कौन थे, अहमदुल्ला शाह थे बच्चों। तो 10 क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ए रहेगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन भी बच्चों एनडीए 2018 फास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि 2018 के अप्रैल से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग आर द टू सिविल सर्वेंट हु असिस्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, कि भाई दो सिविल सेवक है जिन्होंने भारत के संविधान को तैयार करने में संविधान सभा की सहायता की थी। अब देखो भाई इसमें क्या क्या आंसर है, बी एन राव एंड के एम मुंशी, बच्चों पूरी तरह गलत है, नहीं थे बी एन राव और के एम मुंशी, इन्होंने संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए सहायता नहीं की थी। इसके बाद बच्चों दूसरे पे हम चलते हैं, और दूसरे पे जब हम चलते हैं तो एस एन मुखर्जी एंड अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है बच्चों, गलत आंसर। इसके बाद थर्ड को छोड़ दो एक बार, फोर्थ पे चलते हैं, के एम मुंशी एंड अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। देखो बच्चों अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ऊपर वाले में भी आ गया, इसमें भी आ गया, तो ये आंसर भी हमारा क्या है, गलत है। बी एन राव एंड एस एन मुखर्जी, ये बच्चों पूरी तरह राइट आंसर रहेगा, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी सी स्टेटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बड़ी दी गई है बच्चों। विच मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रपोजिड द रिजोल्यूशन दैट द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडियन बी ए हॉरिजॉन्टल ट्राइकोलर ऑफ द सैफ्रॉन व्हाइट एंड डार्क ग्रीन इन इक्वल प्रोपोर्शन विद ए व्हील इन नेवी ब्लू एट द सेंटर। भाई संविधान सभा के किस सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया सफेद और गहरे हरे रंग के समान अनुपात में 37 तिरंगा होना चाहिए, जिसके केंद्र में गहरे नीले रंग का एक पहिया हो। और ये क्वेश्चन कब का है बच्चों, एनडीए 2018 फास्ट से रिलेटेड है। तो बच्चों जब इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो देखो क्या बी आर अम्बेडकर ने ये बात कही थी, नहीं बच्चों, बी आर अम्बेडकर ने तो कहा था कि आर्टिकल 32 राइट टू फंडामेंटल में जो आर्टिकल नंबर 32 है वो संविधान की आत्मा है, और हम ऐसा संविधान बनाने जा रहे हैं जो संविधान बहुत ही अच्छा है, और अगर आगे आने वाली पीढ़ियां इस संविधान को लेके ये कहती है कि ये संविधान अच्छा नहीं था, तो हमारा ये मानना है कि संविधान तो अच्छा था लेकिन आगे आने वाले लोग अच्छे नहीं है, ये बी आर अंबेडकर का कहना था। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, ये भी नहीं थे बच्चों। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी नहीं थे बच्चों। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर। तो राइट आंसर एनडीए 2018 अप्रैल से रिलेटेड जो क्वेश्चन, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, तो जवाहरलाल नेहरू बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा। जय हिंद जय भारत बच्चों, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट स्लाइड लेके फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए, और इन क्वेश्चन से जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी आप निकाल के देखिए, यानी कि राइट स्टेटमेंट के साथ साथ रॉन्ग स्टेटमेंट को भी आप साथ के साथ कीजिए।